अज की वीडियो असी तुहाडे नाल श्री अमृतसर साहिब नाल संबंधित कुछ डूंघियां जानकारियां सांझियां करांगे जो तुहानूं बिल्कुल पता नहीं होणगियां। इस जानकारी नूं सुनण तों बाद तुसीं ईमानदारी नाल कमेंट बॉक्स विच दसना है कि यह जानकारी तुहानूं पहलां पता सी जां नहीं। तो ज़्यादा टाइम ना लेंदे हुए आपां इस वीडियो नूं शुरू करदे हां। नंबर एक, जिवें कि तुहानूं पता है कि अमृतसर का नाम इत्थों दे सरोवर करके पिया है। कहिंदे हन कि महात्मा बुद्ध अपने अध्यात्मक दौरे दौरान कुछ समय इत्थे ठहरे सन। उन्हां समय विच इह सरोवर एक भारी जंगल विच घिरिया होया सी। इस अलौकिक स्थान नूं वेख के उन्हां फरमाया सी कि यह स्थान साधुआं अते संतां दे ध्यान करन लई सब तो उचित स्थान है, इसलिए ध्यान करन वाले इस स्थान नूं सब तो ज़्यादा चुनदे ने। नंबर दो, की तुहानूं पता है कि अमृतसर साहिब का नाम पहलां की हुंदा सी? जेकर नहीं तां तुहानूं दस दें, अमृतसर साहिब का नाम पहला हुंदा सी गुरु का चक। अमृतसर नूं पहलां इस नाम नाल ही जाणिया जांदा सी। इस नाम का की इतिहास सी उह कदे आपां होर वीडियो विच गल करांगे। नंबर तीन, की तुहानूं पता है कि अमृतसर दे नाल साहिब शब्द क्यों लगदा? जेकर नहीं तां सुणो, क्योंकि साहिब शब्द सत्कार मुहब्बत ते जान निशावर करन वालियां दी निशानी है। इत्थे बहुत सिंघां ने शहीदां ने अपनियां कुरबानियां कीतियां ने, इसलिए असीं अमृतसर दे पिछे साहिब शब्द लगाउंदे हाँ। एक तरीके नाल असीं अपने शहीदां नूं सत्कार ही दिंदे हाँ, इसलिए अमृतसर दे पिछे साहिब शब्द दी वरतों जरूर करिया करो। नंबर चार, जिवें कि तुहानूं पता है कि अमृतसर साहिब विच चार दरवाजे हन, की तुहानूं पता है कि दरबार साहिब विच जाण लई सिर्फ एक पगडंडी ही क्यों बनाई गई है? सोचो, जेकर नहीं पता तां तुहानूं दसदे हां, अमृतसर नूं हरिमंदर साहिब भी कहा जाता है। हरिमंदर मतलब हरी मंदर, भाव हरी परमात्मा का घर। किसी भी वर्ग के लोग वो चाहे किसी भी दरवाजे विचों दी प्रवेश करन, वो चाहे किसी भी मजहब के होण, किसी भी मत के होण, पर जो वो परमात्मा के घर जाण ता ओ सब एक हो के ही परमात्मा दे घर जाण, इसलिए ही ये एक पगडंडी बनाई गई है। अमृतसर साहिब विच हर एक चीज़ का कोई ना कोई महत्व है। नंबर पांच, जिवें कि हिंदू धर्म विच 68 तीर्थ मन्ने गए हैं, कि तुहानूं पता है कि अमृतसर विच दरबार साहिब नूं जांदी एक पगडंडी 68 पलांगां दी क्यों बनाई गई है? ये जानकारी बहुत खास है। सुनो, जो भी इस स्थान ते सच्चे दिलों आउंदा है, मन विच प्रेम रख गुरु अगे झुकदा है, उसके 68 तीर्थ सफल हो जाते हैं। जेकर विश्वास ना हो ता तुसी उस पगडंडी नूं माप सकते हो। वैसे तो वह पगडंडी 67 हथ है, 68 हथ उपर गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, इसलिए इस स्थान नूं तीर्थ की तरह पूजा जाता है। नंबर छे, शायद तुहानूं पता ना होवे कि हरिमंदर साहिब नूं इंसान की शरीरक बनतर मुताबक बनाया गया है। जिवें सरोवर जो कि ज्ञान का प्रतीक है, सरोवर अंदर इशनान करना भाव ज्ञान विच इशनान करना है, फिर इस सरोवर रूपी ज्ञान विच पवित्र हो गुरु नाल मिलाप होना, उस तो बाद हरिमंदर साहिब विच जो उपर नूं जाण वालियां पौड़ियां हन जो घूम के उपर नूं चढ़दियां ने, ध्यान करन वाले जाणदे ने कि साडी सुरत घूम के ही उपर नूं जांदी है। ये पौड़ियां प्रतीक हन रब दे मिलाप दियां, फिर सुरत उपर नूं जांदी है ते इंसान परमात्मा विच मिल जांदा है। नंबर सत्त, जिवें कि असीं जाणदे हाँ कि गुरु रामदास जी ने 1577 ईस्वी विच अमृतसर की स्थापना करवाई सी, शायद तुहानूं पता ना होवे कि इस स्थान उपर गुरु नानक साहिब भी अपनी उदासी दौरान आए सन। दस्या जांदा है कि उन्होंने इस सरोवर विच अपने पैर धोए सन, इसलिए इस पानी नूं अमृत भाव अमृत सरोवर कहा जाता है। उस तो बाद इस पानी विच रजनी दा घर वाला जो कि एक पिंगला सी, इस पानी विच इशनान करके तंदुरुस्त हो गया सी। ये कहानी काफ़ी प्रचलित है, अजोके समय विच भी बहुत चमत्कार होए हन, बहुत लोग हन जो ठीक होए हन, पर शायद साडे लोग इस ज्ञान तो अनजाण हन, शायद उह इस स्थान दी महत्ता नूं नहीं समझ पाए। नंबर अठ, जिवें आपां सारयां नूं पता कि 2021 विच अमृतसर दी खुदाई दौरान एक सुरंग पाई गई सी। ये सुरंग कित्थे जांदी है ये किसी नूं नहीं पता। बहुत लोगों ने इस सुरंग की जांच करने लिए कहा, पर श्रोमणी कमेटी ने इस मुद्दे को दबा दिता, पर बहुत लोगों के इस सुरंग को लेकर मिथ हैं। बहुत लोगों का यह मानना है कि सिख धर्म में जिन्हें भी ताकत हैं उन्हें सारे ताकतों को यह सुरंग आपस में जोड़ दिया हैं। पुराने समय में सिंह इन्ह रस्तों का ही उपयोग करते, इस गल में कितनी सच्चाई है ये कह नहीं सकते, पर जेकर कोई सुरंग मिली है तो किसी कारण वास्ता इस सुरंग का उपयोग किया ही जाता होना। बाकी तुहानू की लगता कमेंट बॉक्स में जरूर दस्यो। नंबर नौ, ये जिहड़ी इतिहासक गल मैं तुहानूं दसण जा रहा यह सब नूं याद रखनी चाहीदी है। 15 मई 1606 ईस्वी नूं श्री हरिमंदर साहिब विखे गुरु अर्जन देव जी नूं जहांगीर ने गिरफ्तार करन दे हुक्म जारी कर दित्ते सन। उस समय गुरुगद्दी दी जिम्मेवारी
गुरु अर्जन देव जी ने गुरु हरगोबिंद साहब नूं सौंप दित्ती सी। उस समय गुरु हरगोबिंद साहब की उम्र 11 साल की सी। उस समय गुरु हरगोबिंद साहब जी ने गुरु अर्जन देव जी नूं जांदी वार गलबकड़ी पाई सी। उस तो बाद गुरु अर्जन देव जी नूं शहीद कर दिता गया सी। ते दोस्तों साडी दित्ती हुई जानकारी तुहानूं किवें लगी कमेंट करके जरूर दस्यो। तो जेकर तुसीं साडे चैनल ते पहली बार आए हो तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो, क्योंकि असीं इस तरह दीआं ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लैके आउंदे रहांगे। तो इस वीडियो नूं अपने दोस्तों रिश्तेदारां नाल जरूर सांझी करो ताकि वह भी इस जानकारी नूं जाण सकन। ते मिलदे हां अगली वीडियो ते, उदों तक रब रखा।